बंसीधर नगर में भगवान भरोसे चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला कोलुआ दक्षिण वारा टोला पर, जहां पहुंचने पर पाया गया कि बच्चों की स्थिति नगण्य है। वहीं केंद्र में महीनों से भोजन नहीं बना है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका भी मनमर्जी की तरह केंद्र पर आते हैं या फिर केंद्र खोलकर घर चले जाते हैं। यही नहीं, पिछले 4 महीनों से उपस्थिति पंजिका भी मेंटेनेंस नहीं किया गया है। यह एक केंद्र की बातें नहीं है, बल्कि प्रखंड के दक्षिण हरिजन टोला स्थिति केंद्र हो या महोली ग्राम में केंद्र हो, यानी प्रखंड के तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों का यही हाल है। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका का सामना पत्रकार के कैमरे से हुआ तो वे घबरा कर उपस्थिति पंजिका मेंटेनेंस करने लगी। एक तरफ सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर अरबों रुपए खर्च कर गरीबी की दंश झेल रहे बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की लापरवाही व केंद्र संचालकों की मनमानी ने इस योजना पर पानी फेर दिया है। यूं कहे कि योजना की तस्वीर व तकदीर बदल कर रख दी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंसीधर नगर से उज्जवल की रिपोर्ट। लेकिन को कोई नहीं पढ़ाता है, पोषाहार मिला है कि नहीं लेकिन को? तो पोषाहार कब से आया है? कभी आ गया है ना? हाँ, लेकिन अभी तक बटा नहीं है, बच्चों को भोजन भी नहीं मिल पाता है। मिली हलवा सलवा नहीं तो बनाया। अभी संयोजिका सहायिका कोई नहीं है ना यहाँ? अच्छा, खोल के फिर यहाँ से फरार हो गई? हाँ मैडम, घर ही घर है। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ये समय से खुलता है? नहीं, समय से खुलता है। कभी नहीं खुलता है? खुलता है कभी बाई चांस। बाई चांस? हाँ। लेकिन आता है यहाँ? लेकिन का दुगो आता है ना, कहीं जीवन तो नहीं भी आता है, बहुत दिन हो गया। पोषाहार? पोषाहार कभी देता है कभी नहीं देता है, एकदम चुपचाप लगाता है। और जो गर्भवती महिला को जो मिलता है वो भी टाइम पर नहीं देता है? अभी नहीं किया है तो ऐसे नहीं है तो ऐसे है, यही सब करता है।